नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे शो में। वेल, आज मैं इससे शुरुआत से पहले कहूँगा कि आज मैं बहुत ही खुश हूँ। उसकी वजह यह कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत बैठी हुई है, जो हमारे हैदराबाद तेलंगाना के, जो आपका नाम पूरी दुनिया भर में आप करे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जनाब ईसा मिस्री साहब और आपके फर्जुल अहमद साहब, आपका इस्तकबाल खैर मकदम है। वेल, इसके बारे में बताऊँ कि एक बहुत ही लाइक अब से मैंने कई सालों से ईसा मिस्री साहब की अगर बात करें तो कई सालों से आप मेहनत कर रहे हैं जिम में, लाइक आपके बहुत सारे जिम्स भी हैं और बहुत सारे बच्चे आपके हाथ के नीचे सीखे भी हैं। आइए आगे कुछ बात करते हैं। सर, आपका फिर से इस्तकबाल खैर मकदम करता हूँ। सर, पहले तो शुरुआत में ये करूँगा कि आपकी इस चीज़ की शुरुआत कैसी, मतलब आपको कैसा ऐसा हुआ कि आपको कुछ बॉडी बिल्ड करना है, लाइफ में कुछ बनना है, इसके बारे में कुछ कहिए। मैं जब SSC का एग्ज़ाम दिया उसके बाद से मेरा शौक था कि बिज़नेस करूं। बिज़नेस करते हुए मेरे को एक दोस्त है मेरे, जिनका नाम नवाब भाई है, जो एक पुलिस डिपार्टमेंट में है फ़िलहाल। एक दिन उनसे मेरी मुलाकात हुई तो देखा उनके काफ़ी अच्छा हीवी बॉडी बना के मेरे सामने आए, तो मैं उनसे पूछा भाई ये कैसे किया आप, शायद वो 85 की बात है। 85? जी हाँ जी। तो नवाब भाई ने कहा भाई मैं डेली सुबह कोई तालीम जाके, अली मुखारिश उस्ताद की तालीम जाके वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। तो जब उनको देखा तो मुझे भी शौक पैदा हुआ। उसके बाद एक मूवी देखी मैंने अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की, कोनान द बारबेरियन, वो शायद एंडिंग 85 के बाद की बात है। वो चीज़ आपको इंस्पायर हुई ज़्यादा? जी हाँ, वहाँ से मैं जब पहली बार किसी बॉडी बिल्डर को स्क्रीन पे देखा तो मैं दमबख्श रह गया, देख के इतनी बड़ी बॉडी भी बनती है क्या। बस जब से मुझे एक शौक हो गया कि मैं कुछ करूँ जी, अपने भी सेहत जिस्मानी के लिए कुछ जिम ज्वाइन करूँ, तो उसके बाद मैं एक्सरसाइज शुरू कर दिया जी। अल्हम्दुलिल्लाह करते हुए जब 85, 86, 87, 88 तक मैंने रेसलिंग की जी। रेसलिंग में भी किया आपने? जी हाँ, रेसलिंग भी की है। और यहाँ से मैं बारकस जाता था, वहाँ पे मेरे मामू की तालीम थी, सईद बा मरहूम अल्लाह रहमा, तो उनकी तालीम में जाके मेरे मुमेरे भाई सऊद बाम वगैरह के साथ, तैयब बाम, फैसल बाम के साथ में जोर वगैरह करके बारकस से फिर हैदराबाद यानी कि वापस अपना चाली बंडा आ जाते थे। तो ये सिलसिला काफ़ी तीन साल तक जारी रहा। उस दौरान कुश्तियाँ बहुत कम हो रहे थे जी, अपने तेलंगाना में कुछ एसोसिएशनों के झगड़े में कुश्तियाँ बंद थी, तो उस दौरान मैंने काफ़ी रेसलिंग की प्रैक्टिस की मगर कुश्तियाँ नहीं लड़ सका। उसके बाद मेरी मुलाकात एक बॉडी बिल्डर मिस्टर अब्दुल्ला हरारा से हुई। अब्दुल्ला भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और वो बहुत अच्छे वो टाइम के अच्छे बॉडी बिल्डर भी थे जी, जो मिस्टर हैदराबाद, मिस्टर मशीराबाद, कई ऐसे छोटे टाइटल्स वो जीते थे, बाद में आंध्र प्रदेश की भी टाइटल लिया उन्होंने। जब उनकी मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, जब आपकी मुझे देखे तो वो कहने लगे आपकी बहुत अच्छी फिजिक है, बॉडी बहुत अच्छी है आपकी, लोअर हर चीज़ आप डामन, तो आप क्यों ना बॉडी बिल्डिंग करें। मैं पूछा अब्दुल्ला भाई से बॉडी बिल्डिंग क्या चीज़ है, मुझे उसका इल्म नहीं है। तो मतलब उस दौर में आपको मालूम था कि मालूम भी नहीं था कि बॉडी बिल्डिंग क्या चीज़ थी। तो अब्दुल्ला भाई ने बताया कि भाई ये इस किस्म के इसकी एक पोजिंग होती है 1 मिनट की, और इससे आपको जो है ना एक कॉम्पिटिशन होता है, उसके अंदर आप हिस्सा लेने से आपका नाम भी होगा और आपको मेडल मिलेगा और आपको जॉब भी मिल सकता है। तो मैं काफ़ी मुतासर हुआ उनकी बातों से। फिर जब उनके साथ मैंने प्रैक्टिस शुरू की, फिजिक तो माशाल्लाह बना हुआ था, तो अब्दुल्ला भाई ने मुझे पोजिंग सिखाई, तो इस हिसाब से मेरे जो है अब्दुल्ला भाई को मैं इस बॉडी बिल्डिंग के मेरे उस्ताद मानता हूँ, जो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, आज भी वो मेरे साथ हैं। उसके बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की और अल्हम्दुलिल्लाह पहली मरतबा मैं सिल्वर मेडल हासिल किया। उसके बाद से ऐसा हो गया कि मेरे बॉडी बिल्डिंग के लिए मैं एक जाना पहचाना शख्सियत की नाम इसी तरह मशहूर होना शुरू हुआ। उसके बाद मैंने मिस्टर हैदराबाद, मिस्टर सिकंदराबाद, ऐसे कई जो अपने स्टेट के टाइटल्स होते हैं वो जीतना शुरू किया। 94 में पहली मर्तबा मुझे नेशनल के लिए सेलेक्ट किया गया। 94 में वो कंपटीशन पंजाब में मुनाकिद था जी, जालंधर के अंदर जी। तो वहाँ पर मैं, मेरे वालिद वगैरह भी बहुत खुश हुए कि मेरा लड़का नेशनल के लिए जा रहा है। खैर, नेशनल में तो मुझे कोई प्लेस नहीं लगी, मगर मैं पहली मर्तबा एक छोटी सी उम्र में, मैं शायद 21-22 का था, तो जब भी मैं नेशनल पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट लेके आया वहाँ से। क्या जी, ओके, ये बताएं, हर किसी को लाइक जब शौक होता है, अक्सर मैं देखा हूँ क्योंकि हर किसी को स्टार्टिंग में बहुत शौक होता है, किसी हीरो को देखते हैं बहुत शौक होता है, लेकिन उसके बाद तो छोड़ भी देते हैं, लेकिन आपने जो टिका, मतलब बहुत समय से, आप सालों से कहीं मेहनत करें, कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यार अभी बस से अब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि लाइफ में कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, इस चीज़ के बारे में कभी ख्याल आया आपको? ऐसा जी हाँ,
एक मैं हमेशा दूसरों से भी यही कहते आता हूँ कि मेरा मकसद ये होता है कि एक स्पोर्ट्स में हम कंपलसरी कोई स्पोर्ट्स को पकड़ के चले, उससे आपको एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी सेहत अच्छी रहती है। तो मैं ये देखा कि मैं अपनी सेहत को भी मेंटेन कर रहा हूँ, साथ ही साथ एक मैं स्पोर्ट्स कर रहा हूँ जिससे मेरे मुझे काफ़ी लोग जान रहे हैं, और अपने स्टेट के लिए मैं कुछ एक मेडल्स भी ला रहा हूँ, फिर नेशनल के लिए भी जा रहा हूँ। साथ ही साथ मेरा मशवरा यही रहता है नौजवानों को कि स्पोर्ट्स के साथ बिजनेस करें या कोई जॉब करें। अगर आप खाली सिर्फ स्पोर्ट्स करेंगे तो मेरे हिसाब से आपका अखराजात बहुत मुश्किल से चलेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स में अभी उतने फैसिलिटीज हमारे यहाँ हिंदुस्तान में नहीं है। चंद स्पोर्ट्स है जिसको गवर्नमेंट बहुत प्रमोट करती है, उसके अंदर लोगों को फायदा हो जाता है। अब जैसे बॉडी बिल्डिंग है, उसके अंदर बहुत कम आपको प्रमोट करने वाले लोग आगे आते हैं, तो खुद से अपना करना है तो इस वजह से, या जॉब या बिजनेस करते हुए अगर आप करें तो इसको लॉन्ग टाइम तक लेके जा सकते हैं। तो इसी वजह से मैं इसके अंदर एक ज्यादा टाइम के लिए हूँ, क्योंकि मैं खुद अपनी मेहनत से कमा के इसके अंदर अपने शौक पूरा कर रहा हूँ, अपना एक बॉडी बिल्डिंग शौक की तरह इस्तेमाल किया हूँ, इससे मैं कोई फायदा नहीं हासिल किया। हाँ, हासिल हुआ है फायदा, जो मैं जिम डाला हूँ उससे जो मुझे प्रॉफिट आता है वो भी बॉडी बिल्डिंग की ही देन है, बट इसके अंदर जैसे जो हम मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं उसमें कोई रकमी ज्यादा बड़ी रकम उसमें हासिल नहीं होती। अगर कोई मिस्टर इंडिया भी बन जाता है तो उसको मैं समझता हूँ मुश्किल से 1-2 लाख रुपए मिलते हैं, जो एक साल के अंदर एक बॉडी बिल्डर उससे ज्यादा खर्च कर देता है अपने ऊपर। बिल्कुल सही बात है। ओके, बताइए डाइटिंग में भी मतलब बहुत सारी चीज़ें खाने पड़ते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। लाइक उबले हुए अंडे खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, इसके बारे में डाइट बताइए कि ये करते हुए भी हमें कितने घंटे जिम करना चाहिए, अगर किसी को शौक है जिम करने का, क्योंकि अभी हमारे जितने यंगस्टर से बहुत सारे आपके फैंस हैं जो आपसे भी देख के बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, ये बारे में बताइए कि एक्चुअल में डाइटिंग जो खाते हैं हमें क्या क्या खाना पड़ेगा। लाइक जी, अभी देखिए, अब हम जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो एक प्रोफेशनल तरीके की जो बॉडी बिल्डिंग होती है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग से एक मुराद ये है कि अगर अब जैसे एक्सरसाइज करके आप सिर्फ फिटनेस के लिए अगर कर रहे हैं तो एक मीडियम डाइट, जैसे आप रोटी खाना, ज़्यादा ऑयली फूड नहीं लेना, और चावल एक टाइम यूज़ कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स रहता है चावल में, तो इस किस्म से आप थोड़े फ्रूट्स वगैरह लेके नॉर्मली आप सेहत के लिए कर सकते हैं। अगर नहीं, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग जैसी चीज आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कंपलसरी एक बॉडी बिल्डिंग की डाइट लेना पड़ेगी, जैसे बॉइल्ड डाइट होती है, जैसे हम लोग चिकन लेते हैं, फिश लेते हैं, एग्स लेते हैं, ये सारी चीजें हम बॉइल्ड लेते हैं। मगर इसके लिए भी हमारे दो टाइप की प्रैक्टिस होती है। एक हम इसके अंदर साइज गेन प्रैक्टिस करते हैं, जो साइज गेनिंग में जब रहते हैं तो हम ज्यादा डाइट लेते हैं और प्रैक्टिस भी हेवी करते हैं और कम टाइम में ख़त्म करते हैं। अभी जैसे हमको मिसाल के तौर पे मेरा बॉडी वेट 100 अबव ले जाना है तो मैं ज्यादा टाइम, यानी कि 5 टाइम मील्स लेता हूँ। मील्स में हमारे जो है ना ज्यादा प्रोटीन्स लेते हैं हम लोग, और उसमें भी जैसे साइज गेन कर रहे हैं बल्कि हम बिरयानी या ऐसी कोई ऑयली फूड्स अगर ज्यादा ले लें तो हमारी ज्यादा बल्की बॉडी बन जाएगी। साइज गेन जरूर होगा मगर उसके अंदर डेफिनेशन बहुत कम हो जाएगा। फिर जब आप उसको मस्कुलर करेंगे, जब उसको कटअप करेंगे, तो जब आप बॉइल्ड फूड लेंगे तो आप जो फूड, ऑयली फूड और जो जंक फूड लेके आप जो बॉडी को साइज गेन किए हैं वो फौरन जल्दी कम हो जाएगी। आपका साइज में वो टिक नहीं पाएगी, क्योंकि जो फैट होगा वो जल्दी कट हो जाएगा। तो इस किस्म से आपको जो बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनल तरीके से लेना होगा तो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर से आप जो है गाइड लेना चाहिए, जिससे आपको बहुत जल्दी फायदा होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी हम आपसे बात करेंगे अहमद साहब, ये बताएं कि वालेकुम सलाम, ओके बताइए, जो आपके वाले साहब ने माशाल्लाह फुट समाज से जिम करते हो, ओके ये बताएं कि आप वाले साहब को ही देख के, मतलब आपको भी शौक था कि मैं भी ऐसा करूँगा, मेरे वाले साहब का बनूंगा, क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन में हर चीज़ में आ गया था बचपन से, तो मेरे को एक अचीवमेंट करना था कि मैं फिटनेस में भी सबसे आगे रहूं। तो स्लोली स्लोली मैं स्टार्ट किया कि अब मुझे भी कुछ बनना है, वालिद साहब के साथ बनना है। लोग बोलते थे मुझे, आपके वालिद साहब को देखो लेकिन आप उनके बेटे नहीं लगते। अच्छा, तो मुझसे कैसा तो भी एनकरेजमेंट नहीं मिलता था, हर किसी से डिस्करेज होते होते मैं डिस्करेज जो होते होते डिस्करेज होते होते उसको एनकरेजमेंट में चेंज कर दिया। मेहनत बहुत की, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, और वाली साहब भी बहुत चीज बताए अल्हम्दुलिल्लाह, इस वजह से
इतनी अच्छी फिजिक में लेके आया और ले जाके स्टेज पे परफॉर्म किया, परफॉर्म करके अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना का नाम रोशन किया और इंडिया का नाम रोशन किया और मेरे वालिद का नाम रोशन किया। बहुत सही है। ओके बताइए, हाल ही में यूएसए के बारे में बताइए, कैसा सफर रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सफर तो बहुत शानदार था और रमजान का महीना था, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब रोजा थे और नमाजें भी पूरी अदा की अल्हम्दुलिल्लाह से, कुरान की तिलावत भी हो रही थी, हर चीज। तो मैं समझता हूँ कि यही चीज़ सभी चीज़ आपको साथ दी है और आपने बहुत मेहनत की है। सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी मतलब इनके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या, मतलब क्या करने वाले? इंशाल्लाह अभी तो ये ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं और अभी प्रैक्टिस में तो है, तो नेक्स्ट नवंबर में फिर एक मिस्टर वर्ल्ड के नाम से जो है मियामी, ये जो कंपटीशन लास्ट जो हम खेले थे वो मियामी में था, अभी लास वेगस में जो शो होने वाला है उसके अंदर इंशाल्लाह मैं दोनों लड़कों को हो सका मैं भी साथ जाऊंगा इंशाल्लाह। मैं आपके ये साल शायद पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं कुछ दूसरी मसरूफियात में मसरूफ हूँ। इन दोनों भी बच्चे मेरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, अहमद मिस्री और उस्मान मिस्री, इंशाल्लाह इन दोनों के लिए जो है मैं यूएस के लिए भेजना चाहता हूँ, जो वहाँ पर मज़लमीनिया वर्ल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में ये दोनों हिस्सा लेंगे। और आपको एक अहम बात उसकी मज़लमीनिया के ताल्लुक से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान से या इंडिया से हैदराबाद के ओल्ड सिटी के रहने वाले अमेरिका जाके ये मेडल कैसे जीत के ला रहे हैं। जी ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ भी है और माशाल्लाह आपने बहुत मेहनत भी की चीज़ के लिए, तो उसके बारे में कुछ डिस्कस किया जी प्लीज़। जी तो मैं एक अहम बात बताना ये चाह रहा हूँ, ये सिलसिला शुरू हुआ 2008 से, जो पहली बार इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद से एक बहुत ही नामवर बॉडी बिल्डर है जो मेरे दोस्त हैं मीर मोहतिशम अली, जो इसके अंदर पहली मरतबा हिस्सा लिए मज़लमीनिया वर्ल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में, उन्होंने सेकंड प्लेस हासिल की जिससे उनको हिंदुस्तान भर में उनका नाम हुआ और लल्लू प्रसाद यादव ने भी उन्हें जो है कैश रिवाइज दिया और जो रेलवे के मुलाजिम भी हैं वो उसमें भी उनको नौकरी में भी तरक्की हुई। तो उसके बाद से 2009 में मैं मिस्टर इंडिया ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया था। मैं कोशिश किया कि जब भी मैं अमेरिका जाके इस मुकाबलों में भी हिस्सा लूँ। उसके बाद मैं कुछ ऐसे मसरूफियत में रुक गया कि मैं वहाँ जा नहीं सका। उसके बारे में मैं फिर और तफसील मालूम किया। मालूम करने के बाद 2014 में जब मैं पहली मरतबा मज़लमीनिया वर्ल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में हिस्सा लेने के लिए पहुँचा तो तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की जानिब से हम लोग ये इन मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं, हमारा जो सिलेक्शन होता है वो तेलंगाना बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन जो हनुमान व्यायामशाला में मोहन सर जो इस तेलंगाना एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है और बहुत अच्छे आदमी हैं और वो ये बॉडी बिल्डिंग के 20 साल से वो हमारे मैं शायद 25 साल से उनके साथ बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। तो मोहन सर ने कहा कि मिस्री तुम एक बार जाके पार्टिसिपेट करके आओ, वो मुझे हमेशा इंकरेज करते थे। तो मैं जब पहली मरतबा मियामी फ्लोरिडा पहुँचा अकेला, हिंदुस्तान से भी एक दो तीन बॉडी बिल्डर्स और आए थे, पाकिस्तान से आए थे, ये 2014 में गया मैं, जी हाँ 2 साल पहले। तो वहाँ पर गया और जब भी रमज़ान था अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे रोज़े रहते हुए कंपटीशन किया, उसमें फर्स्ट टाइम मुझे मज़लमीनिया वर्ल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप में ये टाइटल तब भी वही था मिस्टर यूनिवर्स का, जो मज़लमीनिया मिस्टर यूनिवर्स उसके अंदर मैंने 4th प्लेस हासिल की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मुझे काफ़ी खुशी हुई जब मैं जीत के वहाँ से वापस आया तो काफ़ी हिंदुस्तान में हैदराबाद में मेरे अपने मोहल्ले में मेरे अपने शहर में काफ़ी मुझे सराहाया गया। तो मैं आपको अहम बात यह बताना चाह रहा था कि मज़लमीनिया बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप है क्या। मज़लमीनिया बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप ये है कि मज़लमीनिया वर्ल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप है। इसके अंदर अगर आप कोई ड्रग्स लेते हैं, जैसे आप देखते हैं कि अमेरिकन बॉडी बिल्डर्स काफ़ी हेवी होते हैं, उनके आर्म्स 24 इंच तक रहते हैं और उनका बॉडी वेट 135-165 तक भी होता है। तो वो जो बॉडी बिल्डिंग होती है वो पूरे स्टेरॉइड्स और कंप्लीट ड्रग्स के साथ होती है। और ये जो मज़लमीनिया वर्ल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप है इसके अंदर कोई अगर आप ड्रग्स लेके उतरे तो पहले आपका जाते ही डोप टेस्ट होता है। डोप टेस्ट में आपको पता लग जाता है कि आपने ड्रग्स ली है या नहीं ली है। अगर आप उसके अंदर पकड़े जाते हैं तो आपको वहां पर 2 साल का बैंड लग जाता है।
और ऐसा कई लोगों का लगा है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो उसके अंदर वो उसी वजह से जो अमेरिका के जो बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं उसमें हिस्सा नहीं ले सकते वो लोग। चलिए ठीक है, ओके सर, आपको एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। ये टीटीवी उड़ता है ना जी? बिल्कुल, बात करें जी। मैं सोहेल बात करूँ, निजामबाद से। निजामबाद से जी सोहेल, मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरी एज 23 है। ओके, मैं जिम ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। ओके, उसका क्या फुटिंग, क्या यूज करना? तो अभी अभी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आपकी उम्र अभी 23 है जी? चलिए ठीक है, वेल मिस्टर साहब, आप ये कह रहे थे कि उम्र 23 है और ये जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम मिस्टर सोहेल, मैं आपको गाइड करूंगा इंशाल्लाह। आपकी उम्र 23 है, अल्हम्दुलिल्लाह आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आप रोज़ाना एक 30 मिनट्स डेली प्रैक्टिस करिए, संडे ऑफ करिए, और डाइट में जो है आपकी नॉर्मल जो डाइट होती है उससे थोड़ी आपको प्रोटीन वाली डाइट लेनी होगी, जैसे चिकन और एग्स। जैसे आप वर्कआउट को जाने से एक 15 मिनट्स पहले एक 3 बॉइल्ड एग या 2 बॉइल्ड एग लेके आप वर्कआउट के लिए जाइए और वहाँ पर वर्कआउट कीजिए, और वर्कआउट सिर्फ हाफ एन आवर करना चाहिए आप, उससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आप थक जाएंगे और जल्दी आपकी बॉडी बनना बोल के जैसा लोगों का ख्याल होता है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे 3 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, लड़के जिनको नॉलेज नहीं होती है, 3 घंटे एक्सरसाइज करने से आपके कैलोरी ज्यादा बर्न हो जाते हैं। जो आप चाहते हैं कि आपका मसल डेवलप हो वो होता जरूर है, मगर छोटे साइज में होता है, आप दिख के नहीं आते हैं। तो इस वजह से मेरा ये खास नौजवानों से है कि 30-45 मिनट्स के अंदर आपका वर्कआउट फिनिश करिए, और जो नॉर्मल डाइट आप लेते हैं उसके अंदर थोड़ा प्रोटीन वाली डाइट लीजिए, जैसा चिकन एग फिश, इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, और 4 मिल्स आप कंपलसरी लेना होगा। जैसे आम आदमी 3 मिल्स लेता है डेली, आप 4 मिल लेंगे उसके साथ तो आपको ज्यादा फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, एक्सरसाइज शुरू करिए। बहुत शुक्रिया, कॉलर से बात करते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अब्दुल मुजीब बोल रहा हूँ बोइनपल्ली से। बोइनपल्ली जी, मजी साहब। हाँ मिश्री साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारे चैंपियनशिप आप जीते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह करे और आपको कामयाबी मिले और आपके फर्जंद को भी कामयाबी मिले। हाँ मेरी एज 30 है, तो मैं यानी हेल्थ मेंटेन करने के लिए जिम ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए कितना टाइम मैं वर्कआउट करना है और डाइट में क्या लेना है बताइए ना। ठीक है जरूर जी मिश्री साहब। वालेकुम सलाम अब्दुल मजीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे और मेरे लड़कों को दुआ दी, आमीन। आप 30 ईयर्स के हैं और अभी अगर आप पहले से एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हैं तो मेरी गुजारिश ये है कि आप फिर से जिम ज्वाइन करिए, और आपके लिए भी वही है, 30 मिनट्स का जो है आप जिम में मीडियम वेट से, ज़्यादा हेवी वेट आप यूज़ नहीं करना, मीडियम वेट से एक हाफ एन आवर या 45 मिनट्स की आप वर्कआउट करिए। उसके अंदर अगर आपके पास ट्रेडमिल है तो 30 मिनट्स ट्रेनिंग आप जो है वेट से करिए, और बाकी एक 15 मिनट्स ट्रेडमिल पे आप वॉकिंग करिए, फास्ट वॉकिंग। और आपकी जो डाइट है उसके अंदर आप ऑयली फूड थोड़ा कम कर दीजिए, जैसे बिरयानी वगैरह है, कभी आप दावत में जाते हैं ओके खा लीजिए, मगर डेली उसको अपनी डाइट में मत शामिल करिए, क्योंकि 30 के बाद कोलेस्ट्रॉल वगैरह हमारी बॉडी में तेज़ी से जमा होना शुरू होता है। तो जैसे ऑयली फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और ज़्यादा मीठी वाली मीठा उसको ज़रा परहेज करते हुए आइसक्रीम, इस चीज़ों से बचना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी और हेल्थ दोनों के लिए भी फायदेमंद रहेगा। चलिए बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, एक कॉल शामिल करते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? हेलो, ओके कॉल ड्रॉप हो गया, बिल्कुल कोई बात नहीं। तो हम बात कर रहे थे आज छोटी बॉडी बिल्डिंग के बारे में, हमारे साथ ईसा मिश्र साहब इस वक्त हमारे छोटी मौजूद है, क्योंकि मैं समझता हूँ मुझे तो बहुत खुशी हुई, मैं एक्चुअली मैं भी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, सबसे एक जमाने से आपके अभी फर्जंद भी माशाल्लाह धूमधूम मचा रहे हैं, तो स्पेशली फेसबुक यूट्यूब पर आप सब बहुत धूम बहुत लाखों के शेयर्स, और मैं समझता हूँ लाखों के दोस्त आप सभी को फॉलो कर रहे हैं आजकल। मिश्र साहब ये बताइए, मेरा पर्सनल क्वेश्चन ये है कि अक्सर जैसा कि आपने कहा बात कि भाई गर्मी में ज़्यादा जिम नहीं करना चाहिए, सर्दियों में करना चाहिए, क्या ये सही है? जी इसके अंदर दो चीज़ हैं, गर्मियों में कैसे लोगों के लिए सही है मैं वो बताता हूँ। जो फैटी लोग होते हैं, अगर गर्मियाँ चल रहे हैं उसके अंदर उन्होंने ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, ज़्यादा से मुराद वही 30-40 मिनट से ज़्यादा मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता कि वर्कआउट करें,
तो जो मोटे फैटी लोग हैं उनके वो लोग अगर गर्मियों में एक्सरसाइज करते हैं तो वो लोग का फैट जल्दी कट होगा। एक तो बाहर की हीट रहेगी, फिर हम जो वर्कआउट करते हैं उससे भी हमारे बॉडी में का फैट तकरीबन जल्दी जाएगा। और अगर वही स्लिम कोई दुबले पतले लोग हैं जो मसल बनाना चाह रहे हैं तो वो लोग थोड़ा गर्मियों में कम एक्सरसाइज करें, मगर उससे उनको फायदा ये होता है कि उनकी बॉडी में और ज्यादा डेफिनेशन आएगा और बॉडी क्लियर नजर आएगी। तो धुपकाले में, सर्दी से ज्यादा धुपकाले में हम प्रिफर करते हैं कि बॉडी डेफिनेशन अगर कोई मस्कुलर करना है तो धुपकाले में करना, ये हमारी तरफ से सजेशन रहता है। चलिए ठीक है, पहले कॉल से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं किंगकोट से छोटे नवाब बात कर रहा हूँ। छोटे नवाब साहब किंगकोट से। जी साहब, बड़ी खुशी है साहब आपका इतना बड़ा जो इस्तकबाल हुआ। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, उम्र दराज दे और नाम का मौसम, हमारी दुआ है। जी आमीन। जी जी। और साहब मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ साहब, मेरी 53 एज है मेरी जी। मैं शुरू से एक्सरसाइज करता हूँ, बीच में छोड़ जाता है 2-3 महीने, फिर कर सकता हूँ क्या साहब? 53 आपकी उम्र है और बीच में आपने एक्सरसाइज छोड़ दी और दोबारा से आप करना चाहते हैं? चलिए ठीक है, हम जरूर इसके बारे में आपको बोलेंगे। जी समझ। वालेकुम अस्सलाम छोटे नवाब साहब फ्रॉम किंगकोटी। किंगकोटी जी, जी। माशाल्लाह 53 में भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बहुत खुशी की बात है। और जो आदमी कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हुए रहते हैं, इस लाइन में रहते हैं, जैसे 53 रहो या 65 रहो या 70, अगर कंटिन्यू अगर ये प्रैक्टिस जारी रखते हैं, जिम जाते हैं और एक्सरसाइज को अपनी जारी रखते हैं, तो एज का कोई इसके अंदर लेना देना नहीं है, आप बिल्कुल जा सकते हैं। जैसे आपने कहा कि आप 2 महीने से सिर्फ ब्रेक किए हैं, फिर आप माशाल्लाह से फिर जैसे आप पहले वर्कआउट कर रहे थे वैसे फिर से कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप फिर शुरू करिए, दुआ करेंगे हम भी आपकी सेहत अच्छी रहे और आपका शौक 53 के आगे भी जारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के। कॉल शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, बात करिए दोस्त, आपकी आवाज़ आ रही है, बात करिए। सर मैं अभी मेरे को बात करने का था। प्लीज प्लीज बात करिए। जी बात करिए। जी मेरे को, मैं प्रोटीन ले रहा हूँ। ओके ओके, प्रोटीन ले रहे हैं आप, ये बताइए जिम कब से कर रहे हैं आप? जी जिम कब से कर रहे हैं आप? मैं 1 साल से कर रहा हूँ सर। 1 साल से। आपकी उम्र जान सकते, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 1920 है आपकी उम्र। और प्रोटीन ले रहे हैं या फिर लेना चाहते हैं आप? क्या नाम है? ले रहे हैं या फिर लेना चाहते हैं आप? नहीं ले रहा हूँ। आपका नाम बताया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख इरफान। शेख इरफान, कहाँ से कॉल किया है इरफान साहब आपने? जी मैं निजामबाद से बात कर रहा हूँ। चलिए निजामबाद से कॉल किया है। जी सर। अस्सलाम वालेकुम शेख इरफान साहब, आप जिम 1 साल से कर रहे हैं, आप प्रोटीन ले रहे हैं, तो कौन सा प्रोटीन ले रहे हैं? आपके जो कोच हैं वहाँ के, उनसे आप मशवरा करके लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी प्रोटीन या कोई भी आप चीज़ ले रहे हैं तो बिना उस्ताद के आप नहीं लेना चाहिए। आपके जो मास्टर हैं उनसे एक बार आप मशवरा कीजिए, और क्योंकि आपकी 18 और 19-20 के अंदर एज बता रहे हैं, 18 के बाद आप कोई अगर जो साइड इफेक्ट्स नहीं है, जो हर्बल प्रोडक्ट जाने के प्रोटीन में भी 2-3 टाइप है, जो स्टेरॉइड्स वाले भी प्रोटीन आ रहे हैं आजकल मार्केट में, वैसा कोई है तो आप मत लीजिए। आपके पहले कोच से कहिए कि आपकी एज 19-20 है तो आपको सही मशवरा देंगे। मेरा मशवरा तो यही है कि आप अगर नेचुरल डाइट लेके अगर एक्सरसाइज करें तो प्रोटीन से भी बेहतर है, और एक बार जो नेचुरल डाइट से एक्सरसाइज करके जो आप बॉडी बनाएंगे वो ज्यादा टाइम तक चलेगी। चलिए बहुत शुक्रिया कॉल, निजामबाद से कॉल किया, आइए कॉलर शामिल करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेगम पेट से बात करें। जी हाँ, तो मुझे मेरा एज 18-19 है, तो प्रोटीन कुछ ले सकते हैं क्या? वेट मेरा, I mean, वेट कम है थोड़ा। कि क्या वेट है आपका? तो आपका वेट बताइए, क्या वेट है आपका? साइड इफेक्ट मुझे क्या होता क्या उससे? आपका वेट बताइए, क्या वेट है आपका? मेरा वेट 40 है। 40 आपका वेट है और आप एज क्या है? आप एज 18-19 हो रही है अभी और ये प्रोटीन लेना चाहते हैं। जी नहीं, आप प्रोटीन नहीं ले सकते क्योंकि आपका बॉडी वेट 40 है और आपकी एज भी बहुत कम बहुत है। आप नेचुरल डाइट लीजिए, प्रोटीन जैसे आप मिल्स लेते हैं ना, जब आप प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा मत करिए, आप 30 मिनट ही प्रैक्टिस करिए और 5 मिल्स लीजिए आप, 4 मिल्स लीजिए आप, जिसके अंदर आप चिकन फिश एग्स बॉइल्ड एग्स वगैरह अगर आप लेंगे तो इंशाल्लाह आपको फायदा होगा।
अभी आप प्रोटीन बिल्कुल नहीं ले सकते। चलिए, अब मैं समझता हूँ कि मुझे भी बहुत शौक था जिम का, मैं भी लेकिन बीच में छोड़ पकड़ा, लेकिन अभी मुझे देखना है आपको देखे तो मुझे बहुत शौक रहा, तो मैं भी आपसे बहुत सारी चीज़ें मालूम करना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो मैं जरूर बिल्कुल। ओके, एक और से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, हेलो, बात करिए, आपकी आवाज़ आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है सर। जहीराबाद से बात कर रहा हूँ मैं। जहीराबाद से जी, आपका नाम बताए, क्या नाम है आपका? हाँ, मेहताब कुरैशी, जहीराबाद से। ओके, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, वो पार्टी के बारे में, हेल्पिंग, क्या क्या करना, क्या नहीं, 40 के बारे में। बॉडी जरा वेटेड हो गई। ओके चलिए ठीक है। वेल, आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र 40 उम्र है आपकी? नहीं, मेरी उम्र हमारे मामू की है। ओके, तो क्या करना चाहते हैं, वो दोबारा जिम करना चाहते हैं? अच्छा चलिए ठीक है। वेल, आपके मामू साहब की उम्र जो है 40 है, पहले जिम करते थे लेकिन अभी फिर से करना चाह रहे हैं वो, तो क्या? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। अभी 40 साल उम्र है, अगर आप कंटिन्यू में हैं तो आप फिर जिम ज्वाइन कर सकते हैं, वॉकिंग करिए, और स्पेशली आप जो है जिम जाके मीडियम वेट से अभी भी वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि मैं 45 का होकर अभी भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। वे नाज़रीन, एक काम करते हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाएगा बस, क्योंकि अभी बहुत सारे हस्तियां भी आने वाले हैं और उनका आप जरूर उससे भी तारुफ करेंगे, तो बस हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आपका अपना TTV, तो बस समझ गए और अभी उपसाइट।